अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, आज मैं आपको एक गाड़ी ऐसी दिखाने वाला हूं कि आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। सिबोरे इम्पारा ये गाड़ी है, 1958 का ये मॉडल है। ये देखे, ये गाड़ी 70 साल पुरानी गाड़ी है और इसके ऊपर आर्ट किया गया है बकायदा। एक एक चीज इसकी देखने वाली है, इसकी लाइट, इसका बम्पर, इसका जो बोनट है, एक एक चीज देखने वाली है। तो ये है गाड़ी इम्पारा, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। उसका एक अंदा निकल जाता है इसका थे। तो ये यहाँ पे एक एक इसको हाथ से बनाया गया हुआ है कि ये इसकी खूबसूरती है। आप इसका डिजाइन चेक करें तो ये इसकी फ्रंट से लुक है। तो चोकू को कहते हैं घड़ने को। तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसे घड़ा गया हुआ है, सारा एक एक चीज को, इसके पार्ट्स को घड़ा गया हुआ है। करीब से आप देखें, ये देखें फ्रंट से इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। थोड़े दुड़ी गुड़ा है जिकांग का खाता है इसका, थोड़े वो खान से सुड़े होनी नीने ही गुड़ा है। तो 2 साल लगे इस गाड़ी को तैयार करने में, हाथ से एक एक बनाने में इसको 2 साल लगे। आपने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी। इसकी साइड से भी आप इसकी लुक देखिए, क्या कमाल का इसको तैयार किया गया हुआ, वाह। और हर बंदा यहाँ पे इस गाड़ी के पास खड़ा होता है, फ़ोटो बना रहा होता है, क्योंकि हर बंदे की नज़र इसी गाड़ी के ऊपर जाती है। और ये गाड़ी मुख्तलिफ दुनिया के म्यूज़ियम वगैरह में भी रखी गई है। और इसके अंदर ये सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है। देखो तो खिड़मा का जोग है शिमास का आगा करी वो। तो इसके अंदर ये सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी ऊपर नीचे बकायदा होती है। और ये रोड के ऊपर भी ड्राइव देखिए, तो ये गाड़ी ड्राइव भी होती है। आप यकीन करेंगे, अगर ये गाड़ी रोड के ऊपर चल रही हो तो क्या फीलिंग होगी, वाह। तो इसके ऊपर बकायदा गाड़ी के ऊपर शकें लगे हुए हैं। शकें का मतलब यानी ये जापान की रोड के ऊपर गाड़ी चल सकती है। बहुत बड़ी बात है कि इसको यहाँ पे परमिशन है गाड़ी को चलने की रोड के ऊपर। ये इसके टायर हैं और इसको लो डाउन किया गया हुआ है अभी। और इसके अंदर से लुक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये है इसके अंदर से लुक, वाओ। तो अंदर तक इसकी कितना खूबसूरत बनाया गया है, इसके डैशबोर्ड के ऊपर तक घड़ा गया हुआ है। और इसका रूफ आप चेक करें, एक एक चीज को इतना खूबसूरत तरीके से इसको घड़ा गया है, बनाया गया है कि हर शख्स की, इंसान की नज़र इसी गाड़ी के ऊपर जाती है। और ये मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन वगैरह में ये जीत चुकी है, इसको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इस गाड़ी को पूरी दुनिया में मशहूर है ये गाड़ी। तो इस गाड़ी को तैयार करने वाले हैं मिस्टर इज़ावा, और इन्होंने इस गाड़ी को तैयार किया। और बोनट के अंदर तक आप देखें, इसको खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया हुआ। इसका पिंजर चेक करेंगे, तो इसके बोनट के अंदर तक इसको डिजाइन दिया गया है, कितने खूबसूरत तरीके से। तो ये है गाड़ी जो इस शो की सबसे खूबसूरत गाड़ी, सबसे फेमस गाड़ी है, रोहन की गाड़ी ये है। और इसके पेंट को किस तरह किया गया है, इसका पेंट में क्या क्या इस्तेमाल किया गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। नाज़रीन, ये थी गाड़ी इम्पारा, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो पसंद आई होगी। ये गाड़ी अभी फॉर सेल है, अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है और उसको इंटरेस्ट है इस गाड़ी को लेने का, तो ज़रूर मुझे रब्ता करें। लेकिन जो बंदा उसे वाकई इंटरेस्ट है, सिर्फ उसको बताई जाएगी इसकी प्राइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, गाड़ी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इस वीडियो को, प्लीज़ आप शेयर करें ताकि मैं आप तक और जापान की इंफॉर्मेशन और गाड़ियाँ आपको दिखाऊँ। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर और वीडियो में।